रसाना मामले को लेकर हाल ही में जी न्यूज द्वारा की गई तहकीकात और जांच में जो खुलासे हुए हैं उनसे इस मामले में एक नया मोड़ आया है। जहां एक और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इस मामले के कई छिपे हुए तथ्य सामने आने के बाद रसाना मामले के एक आरोपी विशाल जंगोत्रा के परिवार वालों में एक नई उम्मीद जगी है। ये वही विशाल जंगोत्रा है जो क्राइम ब्रांच के मुताबिक वारदात के समय जम्मू में था, लेकिन मेरठ की एक एटीएम की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक विशाल उस समय मेरठ में था। इसकी पुष्टि विशाल के कॉलेज और उसके दोस्तों सहित विशाल की मकान मालकिन ने भी की, जिसके मुताबिक वारदात के समय विशाल उनके सामने था। वहीं विशाल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला उसकी बहन का बैंक अकाउंट भी कुछ यही कहानी बयान कर रहा है। इन सभी तथ्यों को बारीकी से जांचने के लिए जेके अपडेट की टीम एक बार फिर पहुंची हीरानगर में, जहां रसाना मामले की सीबीआई जांच की मांग के समर्थन में स्थानीय निवासी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान विशाल के परिजनों और स्थानीय लोगों से बात करने पर जेके अपडेट की टीम के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो क्राइम ब्रांच की जांच को जुटला रहे हैं। आखिर कैसे कोई एक घंटे में रसाना से मेरठ पहुंचेगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात कल से हर किसी की जुबान पे है कि क्राइम ब्रांच की चार्जशीट रसाना हत्याकांड में ये बात कह रही है कि 15 तारीख को विशाल जंगोत्रा, जो कि सांझी राम जी का बेटा है, वो रसाना में था और उस बच्ची की 4 बजे उसने हत्या की। लेकिन जो पिछले दिन एक सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें साफ दिख रहा है कि विशाल 3 बजे एटीएम से पैसे निकाल रहा था। रसाना और मेरठ का सफ़र 507 किलोमीटर का है, तो अब हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि आखिर 507 किलोमीटर का सफ़र रसाना से मेरठ एक घंटे में कोई कैसे तय करेगा। हम अभी खड़े हैं कूटा में, यहाँ पे पिछले 32 दिनों से रसाना गांव के लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें सांझी राम का परिवार, उनके साथी, हिंदू एकता मंच सभी शामिल है। और 32 दिनों से ये लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज हम यज्ञ अपडेट की टीम यहाँ पे पहुँची है और इनसे बात करते हैं कि आखिर जो कल सीसीटीवी फुटेज आई और 32 दिनों से इनका धरना चल रहा है, कल एक सीसीटीवी फुटेज आई वहाँ पे साफ दिख रहा है कि 15 तारीख को विशाल एटीएम से पैसे निकाल रहा था। वहीं इसके अलावा कल जो रिशफल हुआ, हमारे नए डिप्टी सीएम बने, उन्होंने रसाना को सीधे सीधे कह दिया कि ये छोटा सा मसला है। इस पर आपकी राय क्या है? सर, 3.5 महीने से हम लगे हुए हैं और ये सीसी फुटेज कल आई है। विशाल के घर वाले शुरू से ही कह रहे हैं कि वो विशाल जो था वो मेरठ में था, और इसी के कड़ी के मद्देनज़र थोड़े दिन पहले विशाल की जो एटीएम की पासबुक डिटेल थी वो भी हमने सर्कुलेट की थी सोशल मीडिया पे। लेकिन ये क्राइम ब्रांच वाले मानने को तैयार नहीं थे, और जब रात को ये फुटेज आई और उसके बाद एक लेडी का इंटरव्यू आया, एक लड़का जो उसके साथ एग्ज़ाम दे रहा था उसने भी बताया, मेरठ में बर्थडे होता है, यहाँ विशाल रहता है, उसके फ़ोटो हैं, जिस घर में रहता है वो उनकी जो एक बुज़ुर्ग महिला है उसका भी बर्थडे 14 को था, वो अपने मुंह से कह रही हैं कि इन्होंने मेरे से दावत मांगी लेकिन मैंने कहा कि हम सेलिब्रेट नहीं करते, 16 को हम करेंगे, तो वो 16 के भी फ़ोटो हैं। और क्राइम ब्रांच वाले उनको कहते हैं कि आप ये फ़ोटो डिलीट कर दो नहीं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमने भी देखा उनका बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम कहेंगे कि ये कविंदर गुप्ता जी को भगवान सद्बुद्धि दे, उनको एक बड़ा पद मिला है, अपने पद के हिसाब से उसकी गरमा बनाए रखें और लोगों को इंसाफ देने के लिए, क्योंकि बीजेपी पहले ही बैकफुट पे है जम्मू में, ये लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई है, आए लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। तो मैं कहूँगा कि डिप्टी सीएम साहब पहले जो थे उन्होंने तो जो हमारे साथ किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ न्याय करोगे और ऐसी बातें दोबारा नहीं करो। ये था हिंदू एकता मंच का जो कांत कुमार जी है उनका बयान। अब इसके बाद हम बात करते हैं सांझी राम की बेटी से। मैम, आपके भाई जो 15 तारीख को वहाँ पे एटीएम में पैसे निकाल रहे थे,
भाई क्राइम ब्रांच कहते हैं कि 15 तारीख को वो यहाँ पे थे, तो आपको कितना यकीन है कि सच्चाई क्या है? हाँ मैं तो शुरू से यकीन, जिनका बच्चा है उनको तो पता ही होगा कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा वहीं पे था, लेकिन क्राइम ब्रांच जो बोल रही है कि नहीं उसका फ़ोन उधर था और कोई उसका फ़ोन यूज़ कर रहा था। अब देखिए फ़ोन तो कोई मान लिया कि यूज़ कर लिया एक दिन के लिए, लेकिन ATM तो कोई यूज़ नहीं करता, और उसकी फुटेज जो जी न्यूज़ ने दिखाई है आज दुनिया देख रही है, लेकिन क्राइम ब्रांच क्यों बना रही है? हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है कि ये ऐसे भावनाओं में बह के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो कानून जो सबूत ढूंढ रहा है वो चीज़ें क्राइम ब्रांच ने इकट्ठी करनी चाहिए थी। लेकिन हम आज जी न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं, जैसे कि उन्होंने इतनी कोशिश की वो आगे भी करेंगे, उन्होंने ठान के रखी हुई है कि सच्चाई लानी है चाहे दोषी कोई भी हो, उसी सच्चाई के लिए इधर हम सब लोग बैठे हुए हैं कि CBI इंक्वायरी हो। लेकिन आज क्राइम ब्रांच तो CBI से डर रही है, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ही डर रहे हैं। आप सोचिए कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ये, जब जिनका बच्चा है उनको पता है, अभी हमारे पापा हैं आप सोचिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए सारे एविडेंस मिटाने के लिए पैसा दिया, आप सोचिए जो क्राइम किया ही नहीं जिस बच्चे ने तो पैसा किसको दिया, और ये जो बताया जा रहा है सब मनगढ़ंत है, और ये सारा महबूबा मुफ्ती, तालिब हुसैन और क्राइम ब्रांच इनका बनाया जाल है। हम चाहते हैं दुनिया जाने इस चीज़ को, और सच्चाई के लिए हर कोई एक ही आवाज़ करे कि CBI इंक्वायरी हो, और हमें अब तो उम्मीद भी बन चुकी है, चलिए अब भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। क्राइम ब्रांच ने तो बहुत कोशिश की कि एविडेंस मिटाने की, हमसे मांग के मिटाने की वो उन्होंने उधर से जो लाए हैं वो तो उन्होंने मिटा दिए होंगे हमें उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसी के हिसाब से चल रहा था आज तक, और उन्होंने मिटा भी दिए हैं। आप सोचिए जो कोई फुटेज लेने जाता है DBR थोड़ी उठा के लाता है, वो तो पूरा उठा के लाए हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती पहले सुने, उनकी 95% इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, तो आज ये क्या दिखाई दे रहा है? उनकी इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी थी उनके हिसाब से जो बनाई गई थी, 95% में 2 लोग दोषी पाए जाते हैं और 5% में 6 लोग एक्स्ट्रा और आते हैं, आप सोचिए इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी? दुनिया तो सच जान भी चुकी है और सच्चाई के लिए खड़ी भी है। आज हम भगवान से एक ही प्रे करेंगे कि जो जे जिनके अंदर बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विपरीत बुद्धि उनके अंदर है तभी ये विनाश काले उनका जो मंडरा रहा है सिर के ऊपर, ये तो भगवान ही क्लियर करेंगे। पहले तो हम लोगों के बीच अभी इन्वेस्टिगेशन, जैसे कानून बनाया गया, हम चाहते हैं ये कानून जो बनाया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे ही लगा दिया तो मेरठ में जाके इरफान वानी जी स्पेशली वहाँ पे जाके ऐसे कुत्ते की तरह छुपते छुपाते भागे मीडिया से, क्यों भागे वो? देखिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो तो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ढूंढ रहा है, लेकिन उन्होंने ढूंढा नहीं, उनको अंदर जाके मुस्लिम बनाया। आज मैं चाहती हूँ दुनिया भी इंसाफ करे, कानून भी इंसाफ करे, इन्वेस्टिगेशन फेयर कराए, CBI करवाए, दोषी जो भी हो उसके लिए हम तैयार हैं। विशाल जंगोत्रा की बहन का साफ कहना है कि उनका भाई निर्दोष है और इसके लिए CBI जांच जब होगी तो सारा सत्य सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सैनी के साथ मैं अजय सिंह, अपने वरिष्ठ सहयोगी दर्श वर्मा के साथ रसाना कठुआ। इन सब सबूतों को देखकर एक बात तो साफ है कि क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच 100% सही नहीं है, और इसका जीता जागता सबूत है उस ATM की फुटेज जिसमें विशाल 15 जनवरी को मेरठ में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। ऐसे में ये साफ है कि क्राइम ब्रांच किसी के दबाव में आकर जाँच कर रही है। अपडेट की टीम इस समय दयालचक के SBI बैंक में पहुँच चुकी है, जहाँ पर विशाल जो ATM यूज कर रहा था वो इसी बैंक ब्रांच से बनाया गया। हालांकि वो जो ATM था उसकी बहन मोनिका के नाम पर बना हुआ है, उनसे बात करते हैं। जी, जो पैसे निकालने की बात निकली है, एक CCTV फुटेज आया मीरपुर से, तो आप बता सकते हैं वो किसके नाम पर ATM था? वो सर ATM मेरे नाम पे है, पासबुक ये मेरे नाम पे है, और वो मेरा अकाउंट मेरा ATM कार्ड लेके गया हुआ था। ठीक है। हाँ। आपका ATM कार्ड लेके गया था, कितने पैसे निकलवाए थे सर उसने? किस तरीके को? उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो पापा को उसने फ़ोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो अकाउंट में पैसे डलवा दो। तो पापा ने उसमें पैसे डलवाए, 3,000 रुपये डलवाए, और उसने उसी दिन शाम को 15 तारीख को पापा ने पैसे डलवाए थे 3,000 रुपये। हाँ, तो उसने 3:00 कुछ पे उसने निकाले हुए, ये आपने वीडियो कल देखी भी होगी जो फुटेज निकाली हुई है उन्होंने, तो 3:00 कुछ पे 5-10 मिनट पे उसने निकाले हुए हैं, और 1,000 रुपये निकाले थे और 500 वो किसी और को दे रहा है। जो कि विशाल का अपना ATM क्यों नहीं बना?
उसके पास उसका पैन कार्ड नहीं था, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अभी तूने एडमिशन ले ली हुई है, तुझे ज़रूरत है अभी, तो तू मेरा लेके जा। मेरे पास दो थे मेरे, तो मैंने कहा तू मेरा ये वाला ले जा, और मेरे पास मेरा जेके बैंक का है, इसलिए वो लेके चला गया था। आपको बताते कि विशाल जो एटीएम यूज़ करता था वो एसबीआई बैंक दयालचक से बना था, इसकी कॉपी जो है वो मेरे पास है। ये नंबर रहा उसका, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता सक दिखा रहे हैं कि ये नंबर जो है जो मार्क किया हुआ है, ये विशाल उस एटीएम का नंबर है जो यूज़ करता था। आपके सामने इस तरीके को विशाल ने जो अपना अकाउंट से, हालांकि जो इसकी बहन मोनिका के नाम पर है, उस अकाउंट से 1000 रुपया निकाला भी था। ये जो अहम फुटेज जो है ये मीरपुर से है, वहाँ से निकाली गई है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो फुटेज मिली है ये कहाँ तक इस केस को लेके जाएगी? सर ये फुटेज बहुत बड़ा क्राइम ब्रांच को ये बहुत बड़ा झटका है, ये सबसे में जो बात है, जो कि उन्होंने अपना जो अपनी मनगढ़ंत जो कहानी बनाई हुई है कि वो वहाँ पे था। अगर यहाँ पे था तो अब यहाँ का सबूत दिखाओ, वो बच्चा वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा था, वहीं पे था जहाँ पे उसने बर्थडे पार्टीज अटेंड की हुई हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ से पैसे निकलवाए, हर एक चीज़ वहाँ से क्लियर हो रही है। तो ये किस बेस पे बोल रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। अगर इनके पास कोई क्लू है तो वो रखें सामने, कोर्ट में पेश करें, चार्जशीट जो वकीलों को दिखाएँ, जो कि डिफेंस के जो वकील हैं उनको बताएं, मेन तो पहले मेन जो चीज़ है उनको देना बनता है। अगर वो उनको नहीं दे रहे हैं तो कोई कुछ तो गड़बड़ है उनकी चार्जशीट में। हालांकि क्राइम ब्रांच ने इस एटीएम का और इस फुटेज का जो है जिक्र बिल्कुल नहीं किया है। रसाना मामला आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेता है ये देखना वाकई रोमांचक होगा, और जेके अपडेट की टीम इस मामले के ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचाती रहेगी। जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ।